इस मंदिर में होती है भगवान की खंडित मूर्ति की पूजा। क्या है इसका रहस्य, जानिए आज मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूँ सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। हिंदू धर्म के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो रहस्य है। वैसे भी हमारे भारत देश को अध्यात्म, संस्कृति, धर्म और भक्ति का देश कहा जाता है। यहाँ स्थित मंदिर का प्राचीन समय से पूजा स्थल पर विशेष रूप से महत्व है। हमारे देश के हर शहर में हजारों मंदिर हैं, लेकिन यहाँ कई ऐसे मंदिर भी हैं जो अपने आप में ही रहस्य हैं। आज भी उसका रहस्य लोगों के लिए अनसुलझी पहेली सा है। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण की खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। जी हाँ, इस मंदिर में ऐसा कहा जाता है कि खुद खुशी करने वाले पंडित की जान बचाने खुद माँ काली प्रकट हुई थी। इस मंदिर को दक्षिणेश्वर काली मंदिर के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, मंदिर बनकर तैयार था। जन्माष्टमी के अगले दिन राधा गोविंद मंदिर में नंदोत्सव की धूम थी। उस दौरान दोपहर के समय आरती और भोग के बाद भगवान श्री कृष्ण को उनके शयन कक्ष में ले जाते समय प्रतिमा धरती पर गिर गई, जिस कारण से प्रतिमा का पांव टूट गया। सभी के लिए यह अमंगल था। हर कोई इस घटना को अशुभ बताने लगा। ब्राह्मणों की सभा बुलाई गई और उनसे विचार विमर्श किया गया कि इस खंडित प्रतिमा का क्या किया जाए। प्रतिमा को जल में प्रवाहित कर इसके स्थान पर नई प्रतिमा को लाने का फैसला हुआ। रासमणि को ब्राह्मणों का यह सुझाव पसंद नहीं आया। वह रामकृष्ण परमहंस के पास गईं। रामकृष्ण ने कहा कि जब घर में कोई सदस्य विकलांग हो जाता है या फिर माता पिता में से किसी एक को चोट लग जाती है तो क्या उन्हें त्याग कर नया सदस्य लाया जाता है? नहीं, बल्कि हम उनकी सेवा करते हैं। तभी रासमणि को परमहंस का यह सुझाव बेहद पसंद आया और फिर उन्होंने निश्चय किया कि इस मंदिर में श्री कृष्ण की इसी प्रतिमा की पूजा होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल।